हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपर ऑप्शन के कमाल के हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं डेवलपर के आपको कुछ कमाल के हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप इनेबल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। नहीं तो होता क्या है, लोग पूरी वीडियोज देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत किया करो यार भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और ऐसी टेक्निकल अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों सबसे पहला जो हिडन फीचर है वो है डार्क मोड को लेके। दोस्तों होता क्या है, हम जब भी अपने मोबाइल को डार्क मोड को ऑन कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करती, वो नॉर्मल लाइट मोड पे ही करती हैं। तो आप डेवलपर ऑप्शन के थ्रू उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, तो आप लाइक देखेंगे मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पर कर लिया डार्क मोड पे। डार्क मोड करने के बाद अगर आप अपने मोबाइल में फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अगर ऐसी ऐप्स को अगर आप खोलते हैं, और भी कुछ ऐप्स हो सकती हैं, तो वो डार्क मोड को इनेबल नहीं करते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने इसको कर लिया है और मैं अब यहाँ पर फेसबुक खोलूंगा तो आप देखेंगे वो डार्क मोड पे नहीं चल रही है, वो लाइट मोड पे ही चल रही है, नॉर्मल लाइट मोड पे ही काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे तो भी आप देखेंगे वो भी लाइट मोड पे ही चल रहे होंगे, वहाँ पर डार्क मोड इनेबल नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये इनेबल नहीं हुआ है, तो आप इनको इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करना आता तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले अबाउट फोन में चले आना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले आना है और यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर पर 8 बार टैप कर लेना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको डार्क मोड डेवलपर मोड इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही बाहर आएंगे आप डेवलपर ऑप्शन पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर ढूंढ लेना है, यहां पर आने के बाद आपको जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स डार्क मोड करके, आपको दिख रहा होगा फोर्स डार्क मोड करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप नीचे उसकी नरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा भी हुआ है फोर्स ऐप टू यूज डार्क मोड इवन इफ नॉट फुली सपोर्टेड। ये उन ऐप को भी फोर्स करता है डार्क मोड के लिए जो सपोर्ट नहीं करते। तो आप देखेंगे लाइक मैं वापस यहाँ फेसबुक को खोलता हूँ तो आप देखेंगे, या लाइक मैं इसको फ्लिपकार्ट को यहाँ पर बंद करके दोबारा खोलता हूँ, वापस बंद कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा खोल रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे अब ये डार्क मोड को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर वापस आया फेसबुक पे तो फेसबुक अभी ऐसा चल रहा है, मैं इसको बंद करके चालू करूँगा तो वो भी डार्क मोड को अब इनेबल कर लेगा। आप देखेंगे अब इनेबल हो चुका है। तो ये जो फीचर है ऐसे वर्क करता है, सारी एप्स आपकी यहाँ पर डार्क मोड पर काम करने लग जाएगी। तो सबसे पहला फीचर ये था। तो दूसरा फीचर यह है दोस्तों, हम क्या करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन व्यू का यूज़ करते हैं या फिर बोल सकते हैं मल्टी स्क्रीन का व्यू का जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इंस्टाग्राम और ऐसी बहुत सारी कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो स्प्लिट स्क्रीन व्यू को, पॉपअप व्यू को सपोर्ट नहीं करती। अगर आप उन ऐप को खोलेंगे तो वो चलती नहीं है। कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप दोस्तों देखेंगे मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम को यहाँ पर खोल के रखा है रिसेंट व्यू में। अगर आप मैं यहाँ 3 डॉट्स पर जाऊँगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपको ओपन स्क्रीन व्यू का और पॉपअप व्यू का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, वापस यहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स टू रिसाइजेबल। तो आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्क ऑल एक्टिविटीज, मेक ऑल एक्टिविटीज रिसाइजेबल फॉर मल्टी विंडो रिकॉर्ड्स फॉर मेन फीचर, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद अगर आप देखेंगे अब इंस्टाग्राम पर मैं आके आऊँ, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, पॉपअप व्यू दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर आप खोलेंगे तो भी वो वर्क करने लग जाएगा। तो ये है कमाल का फीचर, ये फीचर भी बहुत काम का है। कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो नहीं सपोर्ट करती तो आप इन फीचर का यूज़ करके उन सबको ऐप को यहाँ पर खोल सकते हैं। लाइक आप देख रहे होंगे ये वर्क कर रहा है। उसके बाद दोस्तों थर्ड फीचर बताने वाला हूँ वो है विद को लेके। आप अपने नॉर्मल मोबाइल को भी आप अपने टैब की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके स्क्रीन को भी आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए वापस आपको यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद वही डेवलपर ऑप्शन पे जाना है। डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे एक विद का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मिनिमम विथ हो सकता है आपके पास और कुछ लिखा हुआ आ रहा हो तो आप इसको वहां पर भी चेंज कर देख लीजिएगा आपको क्या आ रहा है। आपको यहां पर मिनिमम विथ में जाना है, जो भी आपकी मैक्सिमम, लाइक मेरी यहाँ 384 है,
आपको उसको स्किप कर लेना है और यहाँ पर आपको 600 डाल देना है या फिर जितनी भी आपको स्क्रीन करनी है उस हिसाब से डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर 600 डालूंगा तो आप देखेंगे अब जो मेरा मोबाइल है कितना बड़ा यहाँ पर टैब जैसा काम करने लग गया है, जैसा कि टैब चलता है वैसा हो गया। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको सेम हो वहाँ पर ऐसा टैब जैसी फीलिंग आने वाली है कि जैसे आप कोई टैब यूज़ कर रहे हो। आप देख सकते हैं कितना मस्त फीलिंग आने वाली है यार ये रियल में कि आपने टैब यूज़ कर रहे हो। कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी हो कि कोई बड़ा बड़ा करना हो तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना मस्त यहाँ पर ये वाला फीचर वर्क कर रहा है। दोस्तों उसके बाद जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो है वाईफाई को लेके। दोस्तों देखा होगा आपने कभी बार आपके मोबाइल का आप देखेंगे वाईफाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है या फिर बोल सकते हैं बैकग्राउंड में वो रन करता रहता है, तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी काफ़ी हद तक सेव कर सकती है। तो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, यहाँ मिलेगा आपको वाईफाई स्कैनिंग थ्रोटलिंग, आपको दिख रहा होगा, आपको इसको ऑन कर लेना है। ये क्या करता है, रिड्यूस बैटरी एंड ड्रेन इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो आपको इसको भी ऑन करके रखना है। दोस्तों जो मैं फिफ्थ ऑप्शन बताने वाला हूँ वो है बहुत ही कमाल का, वो है बैकग्राउंड चेक। दोस्तों होता क्या है, हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करती हैं, अगर हम उनको रिसेंट से भी डिलीट कर देंगे तो भी वो बैकग्राउंड में रन करती हैं जिससे मोबाइल की बैटरी भी खाती है। तो आप उनको कैसे चेक करें और कैसे उसको आप परमिशन को ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च मार लेना है या फिर वो ढूंढ लेना है बैकग्राउंड चेक करके, आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐप्स के अंदर आपको मिलेगा बैकग्राउंड चेक, आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वो ऐप मिल जाएगी जो वो आपके बैकग्राउंड को चेक करती है, तो आप यहाँ से उसको अलाउ को डिसअलाउ भी कर देंगे जिससे आपकी बैटरी यहाँ पर काफ़ी हद तक सेव होगी। अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐप नहीं दिख रही तो उसका मतलब कि आपके मोबाइल में कोई भी ऐप बैकग्राउंड में वर्क नहीं कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है। उसके बाद दोस्तों सिक्स बताने वाला हूँ जो भी बहुत ही कमाल का है, ये दोस्तों उनके लिए है जिनके मोबाइल में एंड्रॉयड 12 या अपडेट नहीं आया या उससे नीचे वर्जन पे है। दोस्तों क्या एंड्रॉयड 12 पे आपको पता होगा कि आपको एक नया ऑप्शन मिल गया था जहां पर अगर आप कोई भी चीज़ एक्टिविटी को कैमरा को माइक को आप लॉक कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर कोई यूज़ कर रहा है कैमरा तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन दिख जाता है, तो ये सब आपको पॉसिबिलिटी हो गई थी, आप लॉक कर सकते थे कैमरा परमिशन और माइक परमिशन को लॉक कर सकते थे। बट अब ये क्या हो गया, जो एंड्रॉयड 12 से नीचे वाले हैं उनको अगर कुछ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए उनको करना क्या है, यहाँ पर आएंगे डेवलपर ऑप्शन पे, यहाँ पर जाना है उनको क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स में। यहाँ जाने के बाद उनको एक ऑप्शन मिलता है सेंसर ऑफ करके, आप दिख रहे होंगे सेंसर ऑफ करके एक टगल होता है, आपको उसको इनेबल कर लेना है। उसको इनेबल करने के बाद बाहर आएंगे तो आपको सबसे पहला मिल जाएगा टैब, आप देख रहे होंगे सबसे पहला आपको मिल रहा होगा, आपको उसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे उसके बाद ये कैमरे वर्क करना बंद कर देंगे, आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी पॉलिसी प्रिवेंट टू यूज ऑफ कैमरा, कहीं भी जहाँ जहाँ कैमरा का एक्सेस है वो कहीं भी वर्क नहीं करने वाला, देख रहे हैं फेल टू ओपन कैमरा मे बी इन यूज बाय अनदर एप्लीकेशन, तो ये ऐसा ही एक काम करेगा, सारे सेंसर आपके यहाँ पर काम करना बंद हो जाएंगे। जब आपको वापस चालू करना हो वापस आप उस पर क्लिक करिए, जब आपको वापस चालू करना हो वापस उस पर क्लिक करिए वो वापस चालू हो जाएगा, तो ये ऐसे वर्क करेगा। दोस्तों ये जो मैं कमाल के आपको 6 हिडन सेटिंग्स बताएं डेवलपर ऑप्शन की, ये बहुत ही अच्छी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर मुझे बताना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और आपको मेरा जो मैंने आपको भी डेवलपर ऑप्शन के कुछ हिडन फीचर बताए तो इसमें आपको सबसे अच्छा कौन सा फीचर लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर वही सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं करा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अब तो ज़रूर कर लो, आपने पूरी वीडियो देख ही ली है।